युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। मामूली कहासुनी पर एक युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की शिकायत की गई है। नवीन मार्डन पुलिस थाना क्षेत्र के पटना कोठार निवासी नीरज कुमार पांडे पुत्र राजित राम पांडे का आरोप है कि विपक्षी से किसी बात को लेकर मंगलवार शाम को विवाद हो गया था। विवाद में विपक्षी ने उसका मोबाइल छीन लिया था और बुधवार दोपहर में फोन करके उसे बुलाया कि अपनी मोबाइल फोन ले जाओ। नीरज जब मोबाइल फोन लेने के लिए उसके दुकान पर पहुंच गया तो दो भाइयों ने उस पर पेट्रोल डालकर माचिस लगा दिया। नीरज के हल्ला मचाने पर आसपास के लोग दौड़कर आग बुझाकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एकौना पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज किया गया। इलाज के बाद नीरज ने स्थानीय थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना की तहरीर मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। की गई, मैं बैठा था और छन्नू तिवारी 3-4 आदमी लेके गए। अब क्या हुआ सर, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या, हमने उनसे कोई झगड़ा नहीं किया। वो रात में गए, हमारे भी साथ में मारपीट किए। किस बात को लेकर मारपीट की? वो हमें खुद नहीं पता है कि ये लोग क्यों गए और क्यों हमारे साथ मारपीट किए। लेकिन हाँ, इसके लिए गवाह भी मैं दूंगा, गवाह भी मिलेगा कि ये क्यों गए। इनका भाई बता रहा है कि हमारा भाई नहीं गया, लेकिन इसके लिए गवाह भी है, वो भी बताएंगे कि ये क्यों गए। मैं दारू शराब पीता हूँ, खाता पीता हूँ, लेकिन कभी आज तक रिकॉर्ड है थाने चौकी पे आज तक एक FIR हमारे नाम पे नहीं लिखा गया। अब जब मैं आज जब मेरी मोबाइल छोड़ी, मतलब मोबाइल छीन लेके गए, तो मैं आया उनके पास, हमने कहा हमारी मोबाइल दीजिए। बहुत तो पीछे से क्या हुआ, पेट्रोल डाल के उसके बाद में आग लगा दिया हमारे। देखो कुछ आपके सामने है। बब्बू तिवारी के पास जब हमने फोन किया तो बता रहे हमारा भाई गया नहीं, लेकिन जिसके यहाँ वो गए थे वो अभी इतनी टाइम गवाह देने के लिए तैयार है। FIR दर्ज करवाई? FIR दर्ज करवाए, थाने पर बैठे हैं सर, अभी जा रहे हैं।